मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये मैंने लास्ट नाइट एक एक्टिव इंग्रेडिएंट या बोलो सीरम यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरे ये रेड बम्स आ गए हैं। वो कौन सा था आप आगे जाके देख लेना, और लास्ट तक देखना। मैंने आपके साथ आफ्टर बिफोर का क्लिप भी शेयर किया हुआ है कि मतलब किस तरीके से रिएक्ट किया है इंग्रेडिएंट ने। आप बोलते हो नेचुरल चीज़ें यूज़ करने से जल्दी ठीक होता है, लाइक हल्दी, बेसन, नीम फेस पैक स्पेशली जिसको सूट करता है इसके लिए बेस्ट है। अगर मैं नीम का फेस वॉश या फेस पैक भी यूज़ करूँ तब कुछ इसी टाइप की मेरी स्किन हो जाती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है स्किन मेरी, और मैं इसको हील कर रही हूँ। आप ये देखना, ये वाली स्किन आप मेरी देख सकते हो कितने ज़्यादा रेड बम्स और ये आ गए हैं। अगर मैं हल्दी बेसन भी यूज़ करूँ ना तो भी यही रिजल्ट होने वाला है। इस वजह से मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने रिस्क लेके यूज़ किया। अब नेक्स्ट टाइम मैं पक्का से कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली, जो सूट करता है वही यूज़ करूँगी, लोगों के बहकावे में नहीं चलना चाहिए। स्किन केयर में कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट भी लेनी चाहिए। बहुत सारे जो भी स्किन केयर करते हैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन ये क्यों कहते हैं क्यों करते हैं ये आपको आगे आगे देखने को मिलेगी किस तरीके की। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ये मेरी जनवरी फरवरी की क्लिप आप ले सकते हो, उसके बाद मतलब पूरे ठंडी की जनवरी फरवरी मार्च, और ये मेरे गर्मी की क्लिप आप देख सकते हो कि किस तरीके के एक्ने इस टाइम पे थे मेरे, है ना। अभी इस टाइम पे कैसे हैं वो तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी तो पानी का भी बहुत ज़्यादा हेर फेर था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल उस टाइम पे कर रही थी। 1.5 महीने मैं गांव में रही हूँ तो पानी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। और उसके बाद गांव से आने के बाद आप वो जो मोटा वाला एक्ने था आप उसके मार्क्स देख सकते हो, इस टाइम पे दब गए हैं लेकिन उसके मार्क्स हैं, क्योंकि अगर मैं उसको फोड़ देती तो इससे भयंकर हो सकते थे, लेकिन वो धीरे धीरे चले जा रहे थे। नोज़ के पास मेरा बहुत गंदा वाला एक्ने हो गया था तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो जो बड़ा वाला एक्ने था वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन आई डोंट नो वाई उसके उसकी जगह पे और भी निकल रहे थे। लेकिन ये अभी मार्च की तो नहीं है, लेकिन ये है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की क्लिप आप देख सकते हो। मेरी स्किन मतलब इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी ना फेस वॉश कर रही थी ना कोई स्किन केयर, मैंने 1.5 महीने कोई ना स्किन केयर किया है। फेस वॉश तो आप कह सकते हो 3-4 दिन में एक बार मैं कर रही थी, और ये रिजल्ट है मेरी स्किन का। पानी मैंने भरपूर पिया है, मतलब 2-2.5 लीटर जो पानी होता है दिन का वो पीना, और सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया है, और उसके बाद ये मेरी स्किन है 2 से 3 दिन में फेस वॉश। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँ कि आप 2 से 3 दिन में फेस वॉश करो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से मैं ऐसा कर रही थी, बिकॉज़ नहीं हालत हो पा रही थी यार। उसके बाद अभी आप मेरी स्किन देख सकते हो, 1-1.5 महीने स्किन केयर नहीं किया है, उसके बाद से आप स्किन केयर कर रही हूँ, रेटिनॉल ये सब यूज़ कर रही हूँ, तो स्किन पील हो रही है। वैसे भी ठंडी में मेरी स्किन पील होती है, और ये अच्छी बात है, आपका डेड स्किन निकल रहा है।